पर अक्सर या नमाज होती है हमारी, मगर बारिश में जो है ना, जो पानी पचर रहा, जो टॉयलेट्स पुराने हो गए एकदम, टॉयलेट भी जो है ना साफ सफाई मतलब सही नहीं है, तो इसके लिए जो है ना मस्जिद एक रॉयल मास बोले तो रॉयल टाइप में रहना बोल के हम जो है ना बोर्ड में भी जो है एक रेजोल्यूशन पास करें, 70 लाख रुपए का एस्टिमेट हुआ समझ के 70 लाख रुपए पास करें, पैसा भी बोर्ड में रेडी है, वक्फ बोर्ड में इंशाल्लाह ताला परमिशन के लिए इसको रुके हुए हैं, और परमिशन का भी परसों मीटिंग हुई हमारी मिनिस्टर के साथ महमूद अली साहब, हम और हमारे बलाला साहब MLA पाशा खदरी साहब, हम लोग सब लोग थे वहाँ पर, हमारे फारूक हुसैन MLC और कुपला ईश्वर मिनिस्टर वगैरह और हमारे मेराज भाई सब लोग, हम लोग जो है ना इमाम साहब भी नुमाइंदगी करे वहाँ पर, हम लोग भी ऑलरेडी नुमाइंदगी करे, गलती से जो है ना वो लोग फाइनेंस को भिजा दिए थे पेपर्स, क्योंकि फाइनेंस से हमको लेना नहीं है, गवर्नमेंट से वक्फ बोर्ड पेमेंट करने के लिए तैयार है, 70 लाख बोल के नहीं और भी जितने भी लगेंगे कराएंगे बोल के, क्योंकि सामने का जो हिस्सा जो है, जो हेरिटेज जो है, हेरिटेज को कभी भी डिस्टर्ब होने का सवाल ही नहीं है, जो शेड जो सामने से है इसको इंशाल्लाह ताला इसको फॉल सीलिंग के साथ इसको AC बनाएंगे मस्जिद बोल के जो है, क्योंकि 6-7 साल रमज़ान जो है ना आने वाले 6-7 साल जो है गर्मियों में आ रहा रमज़ान, तो मुसल्लियों को और रोज़दारों को तकलीफ नहीं होना बोल के हम लोग भी जो है ना एक डिसीजन लेके हम लोग बोर्ड में पास करें, मस्जिद गवर्नमेंट के अंडर में मक्का मस्जिद और रॉयल मास, मगर सेंट्रल एक्ट के हिसाब से वक्फ यूज़र के हिसाब से वक्फ बोर्ड को आती कोई भी मस्जिद रहो, अगर उन्हें अपने घर में भी मस्जिद बना लिया या ग्रेवयार्ड बना लिया अपनी ज़ाती ज़मीन में, तो सेंट्रल एक्ट एक ऐसा है कि ऑटोमेटिक वक्फ को आती हो, वक्फ हो जाती चीज़ वो, तो अभी गवर्नमेंट की निगरानी में और गवर्नमेंट भी इसको मेंटेन कर रही और गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से ताउन करने के लिए तैयार है, KCR साहब भी और MIM हम लोग सब मिलकर इंशाल्लाह ताला जो परमिशन का है एक आध हफ्ते में आ जाएगा, और कल जो है ना कल हम लोग मीटिंग, कल मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग है हमारी, कल जो है ना जो भी कमियां है उसको कल कंप्लीट करके जो कोटेशन लेना है, टेंडर बुलाना है, बुलाकर जो है ना ये मस्जिद अल्लाह के करम से हैदराबाद की क्या इंडिया की नंबर वन मस्जिद बनाने का प्रोग्राम है, हमारे इमाम साहब की भी ख्वाहिश है, मुसल्लियों की, हमारे MLA साहब, हम लोगों की सबकी, गवर्नमेंट की भी, तो अल्लाह चाहे तो जो है ना हम लोग अच्छे से अच्छी मस्जिद बनाएंगे, यहाँ पर मुसल्लियों को तकलीफ नहीं होगी और एकदम रॉयल मास बोले तो रॉयल ही रहेंगी इंशाल्लाह ताला, हैदराबाद सिकंदराबाद नहीं इंडिया में नंबर वन मस्जिद रहना बोल के ख्वाहिश है हमारी, और भी लोग यहाँ पर ताउन करने के लिए तैयार है, मगर वो ताउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड और MLA साहब हम लोग मिल के इसको अच्छे से अच्छी मस्जिद बनाएंगे, क्योंकि हम लोग रहने के बाद ये काम डिले हो रहा बोले तो हमको भी एक अफसोस हो रहा, मगर इसको लापरवाही नहीं कर सकते, रमज़ान से पहले वार फुटिंग पे कैसा हो सकता काम बराबर करके जो है ना हम ये यहाँ पर जो जो चीज़ की कमियाँ हैं बराबर हम KCR साहब को भी बोल के अगर कुछ और भी कम पड़ रहा बजट तो वहाँ से भी MLA साहब हम मिलके वहाँ से भी बजट लेंगे, लेके जो है ना यहाँ पर मस्जिद को अच्छे से अच्छे टाइप में सडनली AC बनाएंगे मस्जिद, पहले भी बोला था मैं अभी भी भरूँ क्योंकि पैसों की वजह से लेट नहीं है, ये परमिशन के लिए था, गलती से फाइनेंस कमेटी को चलेगा उस पर डिले होगा, फिर बीच में हमारे सेक्रेटरी साहब बिहार के इंचार्ज बन के चले गए थे अहमद नदीम साहब, उन्होंने थे बीच में, फिर CO नहीं थे, तो ऐसे ऐसे चीज़ें आके जो है ना डिले हुआ, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम पे जल्द से जल्द, नेक्स्ट टाइम क्या कल ही मीटिंग है कल, और एक 8 दिन के अंदर इसका काम शुरू कैसा कर सकते हम MLA साहब मिलकर इसको कम्प्लीट करने का काम करेंगे इमाम साहब के सपोर्ट।